Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. पश्चिम दिल्ली के मोटका इलाके में शुक्रवार की शाम लगी बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दमकल कर्मियों ने भले ही 60 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया हो, लेकिन 27 लोगों के शव पहचानने योग्य नहीं रहे। इस बिल्डिंग में सीसीटीवी व राउटर कंपनी के कार्यालय हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि घटना में शव काफ़ी क्षत विक्षत हो चुके हैं, पहचान नहीं हो पा रही है। FSL के जरिए DNA की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि कौन सा शव किस परिवार का है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना में जिनकी डेथ हुई है उसके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रवार शाम की राहगीरों ने भी कुछ वीडियो बनाई हैं। इनमें लोगों को जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे अथवा सीधे कूदते हुए देखा जा सकता है। देखिए इस हादसे से प्रभावितों में से एक मनोज कुमार का कहना है कि शुक्रवार 4:30 बजे उनकी पत्नी सोनी से उनकी आखिरी बात हुई थी। इस दौरान पत्नी सोनी ने मोबाइल फोन पर जानकारी देते हुए कहा था कि मनोज, कंपनी में भीषण आग लग चुकी है, चारों ओर धुआं है, इमारत के अंदर आग की लपटें नजर आ रही हैं, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।